हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो करीब 11:30 हो चुके थे, ये साल ख़त्म ही होने वाला था और आधे घंटा हमारा सेलिब्रेशन चला था। ऑलमोस्ट हम लोग एकदम पूरा फुल ऑन न्यू ईयर मूड में थे। हम लोग कहीं आउटिंग नहीं कर रहे थे, घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे थे और म्यूज़िक लगा दिया था हाई बीट में और मैं ऑन हो गई थी, क्योंकि म्यूज़िक सुनने भर की देरी होती है, मैं पूरा ऑन हो जाती हूँ। मेरा डांस मेरा फेवरेट चीज़ है जो मैं करना पसंद करती हूँ। और उसके बाद प्रियांश का जब भी ऐसा कुछ होता है कि सेलिब्रेशन वाला चीज़ है तो प्रियांश का एनर्जी लेवल एट नेक्स्ट लेवल होता है। तो प्रियांश भी बहुत एक्साइटेड था और हस्बैंड यहाँ पे अपने कज़न से बात कर रहे थे और मैं तो फुल ऑन पार्टी मूड में थी। मुझे बस लग रहा था कि मैं तो आज फुल ऑन इन्जॉय करने वाली हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड ने केक ऑर्डर कर दिया था सेलिब्रेशन के लिए, ताकि हमारा घर में ही अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर पाए। और 12:10 बचा हुआ था तभी हमारा केक आ गया और केक आते ही मैं पूरा एक्साइटेड हो गई। यहाँ पे गाना भी एक से एक बज रहा था, मैंने टीवी पे ऑन कर दिया था और केक यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। हमने रेड वेलवेट केक मंगाया था हार्ट शेप में, बट यहाँ पे राउंड शेप में आया था। कोई बात नहीं, अभी अभी बहुत सारे उनके पास ऑर्डर आ रहे होंगे, तो हम लोगों ने एडजस्ट मारा। फिर हम लोग ऑन हो गए थे फिर से डांस मूड में। हस्बैंड को मैंने फोर्स कर रही थी डांस करने के लिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लास्ट में किया था और मेरा बेटा ही मेरा साथ दे रहा था। उसको तो इतना एक्साइटमेंट होता है, इतना कॉमेडी करता है वो जब भी मैं पार्टी सेलिब्रेट करती हूँ। तो यहाँ पर गाना बहुत मस्त चल रहा था, मैंने गाना म्यूट कर दिया है क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाएगा। इसीलिए आप लोग बस गाना गेस कर सकते हैं कि मैं किस सॉन्ग पे गाना डांस कर रही हूँ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ डांस करने के लिए, अकेले नहीं करूँगी। तो वो बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ, और हस्बैंड को डांस बिल्कुल भी नहीं डांस आता है, लेकिन वो मेरा साथ देने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर मेरा बेटे का डांस को आप लोग डोंट मिस हिम, उसका डांस इतना अजीबो गरीब सा रहता है, उसे देख कितना मुझे बाद में वीडियो में देख कितना हंसी आ रहा है। और उस टाइम तो मैं खुद में बिजी थी, लेकिन बाद में मैं इसका डांस देख के मुझे इतना हंसी आ रहा था, पागल जैसा करता है। तो उसके बाद हस्बैंड भी कुछ कम नहीं थे, उनका भी डांस देख के मुझे उतना ही हंसी आ रहा था। तो इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे साल का अंतिम दिन, और ये बिल्कुल टाइम पर हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोगों ने बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग बिल्कुल बैठ के शांति से टीवी देख रहे थे, फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। फिर उन्होंने केक ऑर्डर किया, केक ऑर्डर करने के बाद हम लोग ऑन हो गए थे बिल्कुल एकदम फुल ऑन न्यू ईयर मूड में। हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग किसी पार्टी में नहीं है, लग रहा था जैसे कि हाँ सही में हम लोग पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा बेहतर लग रहा था घर पे। हस्बैंड भी पूरा फुल ऑन डांस मूड में आ गए थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ थे। हस्बैंड को भी बहुत कम इन्जॉय करते हैं, लेकिन आज वो खुल के इन्जॉय कर रहे थे। और बेटा का था, मैं जनरली हम लोग ये सब बेटे के लिए ही करते हैं, उसको बहुत रिक्वायरमेंट रहता है कि ये सेलिब्रेट करो वो सेलिब्रेट करो। तो अब बजने वाला था 12 और कुछ ही मिनट पहले एक गाना बजा एनिमल मूवी का, जिसपे कप को लेके सर पे रख के डांस करते हैं। तो मुझे भी क्या सूझा कि वीडियो के लिए मैं भी डांस करूँगी, मुझे भी अच करना था वो। और जैसे ही मैंने इसका डांस स्टार्ट किया, ये हो गया था मेरे साथ। और अभी बस 1 मिनट बचा था न्यू ईयर होने में, कैसा सत्यानाश हुआ ना मेरा साथ। मेरा इतना चौपट हो गया था कि अभी मैं केक कटिंग का प्रिपरेशन करूँ या फिर अब ये कप का पूरा रायता साफ़ करूँ, क्योंकि फिर अगर मैं कप का रायता साफ़ नहीं करूँ की तो बेटे के पैर में लग जाएगा। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं ठीक है, आप लोग इंजॉय करिए, मैं साफ़ कर देता हूँ। तो हस्बैंड लग गए मेरा कप का रायता साफ़ करने में। फिर फाइनली मेरे बेटा ने मुझे बोला कि तुम्हारा मोए मोए हो गया, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। मेरा बेटा भी देखता है, बोल रहा है तुमने कप का डांस किया, तुम्हारा मोए मोए हो गया। और बज गए थे 12। अब हम लोगों ने चिल्लाया बहुत, 2024 आ गया, हम लोगों ने चिल्लाया, फ़ोटो किए, क्लिक किया। तो हमारी फैमिली के साथ हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया था हमारा न्यू ईयर। और प्रियांश इतना ज़्यादा डांस किया, इतना ज़्यादा पूरा उसका पूरा स्वेटिंग हो गया था। और अब वो ऑरेंज जैकेट पहना था, फिर जाके उसने फिर रेड पहना मेरे से मैचिंग करके। तो ऐसे बिता हमारा न्यू ईयर वाला नाइट। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा हमारी फैमिली के साथ न्यू ईयर देखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।